अच्छी सेहत और स्वस्थ शरीर के लिए हमारे शरीर के हर अंग का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। और लीवर तो वैसे ही हमारे शरीर के मेन अंगों में से एक है। लीवर हमारी बॉडी का पावर हाउस है, जो खून में मौजूद विषैले तत्वों को बॉडी से बाहर निकालता है। बॉडी में लीवर ही एकमात्र ऐसा अंग है जो हमारे शरीर की मशीनरी सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे ज्यादा काम करता है। इसलिए इस अहम अंग की देखभाल करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। लीवर की सेहत सुधारने में डाइट का अहम किरदार है। अनहेल्दी फूड और शराब की लत हमारे लीवर को फैटी बना सकती है। फैटी लीवर एक ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से लीवर का साइज बदलने लगता है। लीवर में या तो सूजन आ जाती है या लीवर श्रिंक होने लगता है, और अगर ये स्थिति लंबे समय तक रहती है तो आगे चलकर हमारा लीवर और ज्यादा डैमेज होता जाता है। लीवर को इसकी स्थिति के हिसाब से चार स्टेजेस में बांटा गया है, और आज इस वीडियो में लीवर की लास्ट स्टेज लीवर सिरोसिस पर बात करेंगे कि लीवर सिरोसिस क्या होता है, इसके होने के क्या कारण है। ये वो स्थिति है जब आपके लीवर को अत्यधिक नुकसान हो चुका होता है और लीवर ज्यादा डैमेज होने के कारण सही से काम नहीं कर पाता, और समय रहते अगर इसका इलाज ना किया जाए तो लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। हम सब जानते हैं कि ज्यादा शराब पीना हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है, और लीवर सिरोसिस होने के लिए भी शराब को सबसे बड़ी वजह माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले विस्तार से जानते हैं कि आखिर लीवर सिरोसिस होता क्या है। हर बार जब आपके लीवर को किसी तरह की चोट या किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो ये अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लेता है, और इस रिपेयर करने की प्रक्रिया में लीवर के टिश्यू पर स्कार यानी कि खरोच जैसे निशान बनने लगते हैं। ये स्कार वाले टिश्यू लीवर के स्वस्थ टिश्यूज को रिप्लेस करते जाते हैं, और जब ये स्कार टिश्यूज ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा लीवर डैमेज होने लगता है। यानी कि जैसे जैसे लीवर सिरोसिस बढ़ता है वैसे वैसे ज्यादा स्कार टिश्यू बनते हैं, जिस वजह से लीवर के काम करने की क्षमता में कमी आने लगती है। जब ऐसा लंबे समय तक चलता रहता है तो एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब लीवर बुरी तरह डैमेज हो चुका होता है। इस स्थिति को लीवर सिरोसिस के नाम से जाना जाता है। लीवर सिरोसिस होने की स्थिति में व्यक्ति को थकान, नींद न आना, त्वचा में खुजली होना, लाल या धब्बेदार हथेलियां, भूख में कमी, शरीर के वजन में कमी, जी मचलाना, लीवर वाली जगह में दर्द महसूस होना, पीलिया या त्वचा पीली होना, आंख और जीभ का सफेद होना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर हम लीवर सिरोसिस के होने के कारणों की बात करें तो हम पहले ही इसके एक कारण के बारे में जान चुके हैं, यानी कि ज्यादा शराब पीना। इसके अलावा लीवर सिरोसिस हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से, फैटी लीवर होने से, लीवर में फैट जमा होने से, सिस्टोमियासिस जैसे संक्रमण की वजह से, जेनेटिक पाचन संबंधी डिसऑर्डर्स होने की वजह से, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से भी हो सकता है। लीवर सिरोसिस का पता जितनी जल्दी लग जाए उतना ही सही होता है, जिसके लिए डॉक्टर आपके द्वारा बताए गए लक्षणों के आधार पर ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और बायोप्सी कराने की सलाह देते हैं। इस तरह की जांचों से सिरोसिस की गंभीरता का पता चलता है, जिसके आधार पर मरीज का इलाज शुरू किया जाता है। इसके प्रारंभिक इलाज में दवाइयों और खाने पीने में बदलाव की सलाह दी जाती है। दवाइयों से लीवर को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाया जाता है, वहीं खाने पीने में बदलाव लीवर से फैट कम करने में मदद करता है। लीवर सिरोसिस की ज्यादा गंभीर स्थिति में लीवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचता है। आपका लीवर कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है इस पर निर्भर करते हुए इसे दो प्रकारों में बांटा गया है, कंपनसेटेड सिरोसिस और डीकंपनसेटेड सिरोसिस। कंपनसेटेड सिरोसिस का मतलब लीवर डैमेज होने के बाद भी सही रूप से काम कर रहा है, यानी कि हमारे लीवर के पास सिरोसिस के कारण डैमेज सेल्स और निशान टिश्यूज के लिए पर्याप्त स्वस्थ सेल्स भी हैं। इस अवस्था में मरीज कई वर्षों तक दवाइयों और खाने पीने में बदलाव करके लंबे समय तक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। डीकंपनसेटेड सिरोसिस वह स्थिति है जिसमें डैमेज लीवर बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर पाता है, और इसी के साथ ही लीवर में कई और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इस बीमारी की दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लीवर सिरोसिस के लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते। इसका पता लीवर के गंभीर रूप से डैमेज होने के बाद ही चलता है, इसलिए इसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ दवाइयों से स्कार टिश्यूज की गति को कम करके इसके कुछ लक्षणों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसी के साथ ही इलाज में सिरोसिस के कारणों का इलाज करना भी शामिल है। इसलिए यदि आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो शराब को छोड़ने की पूरी कोशिश करें।
अगर आप मोटे हैं तो अपने बढ़े वजन को कम करें। उच्च ट्राइग्लिसराइड्स और डायबिटीज को कंट्रोल करें। हमेशा पौष्टिक और ताजा भोजन खाएं। साथ ही खाने में कम घी, तेल और मसाले का इस्तेमाल करें। हेपेटाइटिस बी और सी से अपना बचाव करें। और ये भी याद रखें कि अपनी सकारात्मक सोच से किसी भी तरह की बीमारी को हराया जा सकता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अच्छा फील करें।